हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स क्या आपने कभी कोलगेट को दूध में डालकर देखा है कोलगेट को दूध में डालने से हमारी कौन सी समस्या का समाधान होगा यह जानने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें साथ ही मैं आज के वीडियो में आपके साथ लहसुन को छिलने के सेकंडों में छिलने के एक टिप शेयर कर रही हूँ इसके साथ ही मैं हरी मिर्च से जुड़ी हुई कुछ टिप शेयर करने जा रही हूँ जो कि सभी को पता होना चाहिए क्योंकि हरा मिर्च सभी इस्तेमाल करते हैं और हरा मिर्च जब भी हम इस्तेमाल करते हैं उसके बाद हमारे हाथ में काफ़ी जलन होती है तो फ्रेंड्स देर ना करते हुए मैं अपने पहले टिप को शुरू करती हूँ तो मेरी पहली टिप जो है वो लहसुन को लेकर है फ्रेंड्स जब भी हमें लहसुन छिलना होता है तो पहले हम उसे पानी में सोख करते हैं उसके बाद चाकू की हेल्प से इसे छिलते हैं जिसमें कि लगभग पाँच से दस मिनट लग जाता है लेकिन अगर आपको काफ़ी जल्दी में लहसुन छीलना हो तो उसके लिए मैं एक टिप शेयर करने जा रही हूँ जैसे कि आप सेकंड में ही काफ़ी सारे लहसुन को छील सकते हैं और उसका पेस्ट बना सकते हैं तो मैं यहाँ थोड़े से लहसुन छीलने के लिए बता रही हूँ तो मैंने यहाँ मिक्सर का छोटा जार लिया है मिक्सर के छोटे जार में लेकर हम इसे बस एक सेकेंड के लिए चर्न करते हुए एक सेकंड के लिए मिक्सर चलाएंगे बंद कर देंगे इसी तरह से हम दो से तीन बार करेंगे उसके बाद हम मिक्सर को निकाल लेंगे और मिक्सर को खोलकर उसमें हम पानी डाल देंगे पानी डालने से क्या होगा कि जो भी छिलके लहसुन से अलग हुए हैं वो ऊपर तैरने लगेंगे आप चाहें तो पानी के साथ ही इसे या बाउल में निकाल लें जिससे कि छिलके पानी के साथ छिलके भी निकल लाएंगे कुछ लहसुन आपको मिलेंगे जो छिले हुए नहीं होंगे तो उसे आप छील सकते हैं या उसे आप निकाल कर रख दें और जो लहसुन छिल गए हैं उसे उसका आप काफ़ी आसानी से और काफ़ी कम टाइम में पेस्ट बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं तो अगर आपके पास टाइम ना हो और बहुत जल्दी मैं लहसुन छिल रहा हूँ तो आप इस तरह से लहसुन को काफ़ी आसानी से छिल सकते हैं ना आपको के नाखून में दर्द होगा ना ही चाकू लगाना पड़ेगा ना ही आपको पाँच से दस मिनट देना पड़ेगा और आप काफ़ी आसानी से लहसुन छिल के उसका पेस्ट बना सकते हैं फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपने अगले टिप की ओर बढ़ती हूँ मेरी अगली टिप जो है वो चिकन को लेकर है अगर आपको चिकन काफ़ी जल्दी में बनाना हो और मैरिनेट भी करना हो और आप चाहते हैं कि चिकन में मसाले का अच्छा से मैरिनेशन हो तो हम क्या करेंगे कि चिकन में जो भी मैरिनेशन डालना है मसाले डाल लेंगे उसके साथ ही हम टेस्ट से लगभग डबल नमक डालेंगे डबल नमक डालने से क्या होता है कि नमक काफ़ी जल्दी चिकन के अंदर ऑब्जर्व होता है फ्रेंड्स मेरी अगली टिप जो है वो मिर्च को लेकर है हम सभी सभी मिर्च इस्तेमाल करते हैं और आप देखे होंगे कि जब भी हम मिर्च का इस्तेमाल करते हैं मिर्च धोए उसके डंठल तोड़े या काटे तो क्या होता है कि हमारे हाथों में काफी तेज जलन होने लगती है तो इससे बचने के लिए मैं आपके साथ एक टिप शेयर कर रही हूँ कि हम क्या करेंगे कि मिर्च इस्तेमाल करने से पहले हम अपने हाथों में कुकिंग ऑयल लगा लेंगे कोई भी कुकिंग ऑयल हो नारियल का तेल हो कोई भी ऑयल हो लगा लेंगे इससे क्या होगा कि हमारे हाथों के ऊपर एक लेयर बन जाएगा तो जब भी हम मिर्च को धोएं या उसका डंठल तोड़ें या उसे कट करेंगे तो हमारे हाथों पर जलन कम होगी तो इस तरह से आप हाथों पर तेल अप्लाई करके मिर्च को धो भी सकते हैं उसके डंठल भी सारे उतार सकते हैं और आपके हाथों में जलन नहीं होगा तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अगली टिप है वो भी मिर्च से ही जुड़ी हुई है क्या होता है कि जब भी हम मिर्च को तोड़ते हैं और मिर्च जब हम ज़्यादा अमाउंट में लाते हैं तो ढाई सौ ग्राम या हाफ के जी मिर्च हमें एक साथ तो इस्तेमाल करते नहीं हैं तो इसे हमें स्टोर करके रखना होता है और हम देखते हैं कि स्टोर करके रखने पर होता है क्या कि पाँच से छः दिन में मिर्च जो है वो गलने लगती है तो उसे गलने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक चम्मच कुकिंग ऑयल लेंगे और उसे हम मिर्च पर इस तरह से डाल देंगे और मिर्च को अपने हाथों से इस तरह से चला देंगे ताकि सारे मिर्च के ऊपर तेल का एक कोटिंग हो जाए अगर मिर्च गिली हो तो आप उसे सुखा लें या तेल को अप्लाई करने के बाद इसे पंखे के नीचे 15 से 20 मिनट रख दें ताकि जो पानी है वो सूख जाए मिर्च सूखी रहेगी उसके बाद हम क्या करेंगे उसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में रख देंगे इससे क्या होगा कि मिर्च की लाइफ बढ़ जाएगी अगर आप मिर्च पाँच से छः दिन रख पाते हैं तो इस तरह से रखने से मिर्च आपकी लगभग पंद्रह दिन तक रह जाएगी और बस ध्यान ये देना है कि मिर्च जो भी आप स्टोर करें उसमें कोई भी टूटी या कटी हुई मिर्च ना हो क्योंकि जो मिर्च टूटी होती है और कटी होती है वो जल्दी गलने लगती है तो बस डेंटल को हटाने के बाद मिर्च जो साबुत होता है उसे ही आप स्टोर करें जो टूटी फूटी मिर्च हो उसे आप पहले इस्तेमाल करने के लिए अलग निकाल लें तो इस तरह से आपकी मिर्च काफ़ी टाइम तक रह जाएगी फ्रेंड्स अक्सर क्या होता है कि जब भी हम मिर्च को के डेंटल को इस तरह से अलग करते हैं तो डेंटल को हम कचरे में फेंक देते हैं मगर आज मैं इस डंठल का भी इस्तेमाल बताऊंगी इस डंठल का इस्तेमाल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे एक बाउल लेंगे और बाउल में लगभग एक गिलास पानी लेंगे एक गिलास पानी बाउल में लेने के बाद हम क्या करेंगे कि मिर्च के सारे डंठल को हम इस पानी में डाल देंगे इस पानी में डालने के बाद आप चाहें तो इसे आधे घंटे के लिए या ओवर के लिए ढक कर रख दें इससे क्या होगा कि मिर्च के डंठल में जो भी तीखापन है वो पानी में आ जाएगा तो इसे हम क्या करते हैं कि पहले हम इसे आधे घंटे या ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं तो इसे हम लगभग ओवरनाइट के लिए रख देंगे नेक्स्ट डे दे हम क्या करेंगे कि मिर्च जो है उसका उसको आप चाहे तो पानी में से उसके डंठल को निकाल सकते हैं या डंठल के साथ भी इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो इस पानी को हम लेकर चलेंगे अपने प्लांट के पास अगर आप अपने घर पर प्लांट लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि अक्सर प्लांट में गर्मियों के दिन में क्या होता है चीटी लग जाती है या ऊपर कुछ कीड़े लगते हैं तो ऊपर अगर कीड़े लगे हैं तो पानी को आप ऊपर स्प्रे कर सकते हैं या यूं भी छीट सकते हैं जिससे कि ऊपर जो कीड़े लगे हैं वो मिर्च के तीखापन के कारण भाग जाएंगे और इस पानी को हम गमले में डाल देंगे तो गमले में डालने से क्या होगा कि जो भी गमले में चीटी वगैरह जो लग जाती हैं वो मिर्च के तीखे पानी के कारण निकल जाएंगी इस तरह से आपके प्लांट और गमला दोनों सेफ हो जाएगा तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी फ्रेंड्स अभी गर्मी के दिन है और जब भी कभी हम बाहर जाते हैं तो हम अपने हाथ फेस को तो कवर कर लेते हैं लेकिन हथेली वाले भाग पर धूप लगते रहती है और पाँव वाले भाग पर तो क्या होता है कि उस एरिया में काफ़ी टैनिंग हो जाती है तो उस टैनिंग को हटाने के लिए हम कोलगेट और दूध का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि काफ़ी आसानी से आप टैनिंग हटा सकते हैं तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ थोड़ा सा कोलगेट पेस्ट एक प्लेट में ले लिया है कोलगेट पेस्ट घुल सके बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही दूध डालना है मैं बस यहाँ ट्राई के लिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ पे तो अभी टैनिंग है नहीं लेकिन ये टैनिंग पर काफ़ी अच्छी वर्क करती है तो इसे हम क्या करेंगे दूध में घोल लेंगे जिस अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना हो उस अकॉर्डिंग आप पेस्ट और दूध ले सकते हैं अगर आपके पूरे बाजू में लगाना हो तो आप थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में इसे तैयार करें और दूध को पेस्ट पेस्ट में अच्छी तरह से घुलने के बाद हम क्या करेंगे कि इसका टेक्स्चर क्रीम जैसा होना चाहिए इसे हम क्या करेंगे कि अपने हाथों पर अप्लाई कर लेंगे अगर आपके गर्दन पर टैनिंग हो फेस पर टैनिंग हो तो आप उस पर भी लगा सकते हैं और इसे लगभग पंद्रह मिनट के लिए हम छोड़ देंगे जब ये अच्छी तरह से सूख जाए तो इसे हम ठंडे पानी से धो लेंगे आप दो से तीन बार कीजिएगा तो आपको खुद ही असर दिखेगा कि ये टैनिंग पर काफ़ी अच्छा वर्क करता है तो इस तरह से आप धूप से आने के बाद अपने हाथ पैर और गर्दन और फेस पे भी इसे लगा सकते हैं अक्सर हम क्या होता है कि हम फेस पर सनस्क्रीन लगाते हैं लेकिन हाथों पर नहीं लगाते हैं पैर पर नहीं लगाते इस कारण हाथ और पैर में टैनिंग ज़्यादा होती है तो हाथ और पैर पर इस तरह से आप दूध और पेस्ट का क्रीम बनाकर लगाएंगे तो आपके हाथ और पैर की टैनिंग निकल जाएगी आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी फ्रेंड्स अगर आपको मेरे टिप्स पसंद आते हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद और मुझे कमेंट में बताएं कि आप और किस तरह के टिप देखना चाहते हैं या आज के वीडियो के सारे टिप्स में से आपको सबसे अच्छी टिप कौन लगी धन्यवाद